स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बता दें कि इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री के मैथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कोर्सेज क्या हैं, क्या कंडीशन है ना। और आपको बड़े अच्छे तरीक़ा से इस प्रकार से कोर्स दिया जाएगा जिस कोर्स को आप बढ़िया से कम टाइम में प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में बढ़िया कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए, बढ़िया से सब कुछ समझा जाए और अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। लगातार सब कुछ मिलेगा, सब बुक का, सब टॉपिक का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ में सब कुछ हम दे रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सब कुछ आसानी से आप करने का प्रयास करें, राइट। तो आइए यहाँ पे देखा जाए कि क्या है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन, समझिए डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, DE माने डिफरेंशियल इक्वेशन, सोलेबल फॉर एक्स। वाई के लिए क्या होता है, पी के लिए क्या होता है, सब कुछ हमने आपको बता दिया। तो बड़े आराम से देखिए, बहुत सारे टीचर्स गुरुजी लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे बीएससी को, वहाँ से भी आपको मिलता है तो पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा जो अलग तरीका है पढ़ाने का कि आपको जितना अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें उतना ही आपका बेहतर रहेगा, आपको बेहतर रहेगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। चलिए तो इसके लिए कंडीशन क्या है, जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा समझे ना, वो इक्वेशन इस प्रकार रहेगा, एक्स इज इक्वल टू है ना एफ वाई पी, इस फॉर्म में रहेगा, क्लियर। ये जो इक्वेशन है कहा जाए कि ये सोलेबल फॉर एक्स के लिए दिया हुआ है। बेसिक बात समझिए, थ्योरी कम रहता है न्यूमेरिकल वाला चैप्टर में। और यहाँ से करते क्या, हम लोग यहाँ से लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होता है जब हम लोग क्लियर करते हैं तो वन बाई, देखिए वन बाई पी इज इक्वल टू क्या आता है, फाई समझिए वाई कोमा पी डी पी अपॉन डी वाई। अब सुनिए, अब कोई बच्चा चाहे कि कोई भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई वीडियो खोलें और देख लें आराम से, तो नहीं होगा, क्योंकि टीचर को पता है कि कब क्या होने वाला, हम लोगों को पता रहता है, आपको सिस्टमेटिक शुरू से देखते हुए आना पड़ेगा, है ना। इसलिए एक प्लेलिस्ट बढ़िया से आपको देंगे, जिस प्लेलिस्ट में क्या होगा कि आपको कुछ ट्वेल्थ का डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद फिर बीएससी में जो पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिक रूप से उसको पढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। तो उससे क्या होगा, एक प्यारा सा नोट्स बनेगा आपका, उसी नोट्स से सारा काम क्लियर होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या कहानी है, राइट। तो इस यहाँ से हम लोग, और यहाँ से आगे कहानी क्वेश्चन के द्वारा समझ में आएगा, है ना। तो क्वेश्चन के द्वारा समझ में आएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आइए क्वेश्चन के द्वारा सब कुछ क्लियर क्लियर समझा जाए, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या है, कह रहा है क्या, सोल्व करने के लिए कह रहा है, सोल्व क्वेश्चन को तो समझिए बढ़िया से, सोल्व वाई इज इक्वल टू है ना टू पी एक्स प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू, समझिए ध्यान से। बोलेगा सर ये तो वाई इक्वल टू दिया है, मतलब ये जो इक्वेशन आप लिखे हैं ये तो सोलेबल फॉर वाई होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया है, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए कैसे सोल्यूशन करेंगे, इससे फोकस कीजिए, है ना। सोल्यूशन देखिए, इधर वाई स्क्वायर जो रहता है ना वाई वाला कंडीशन, इसमें पूरा का पूरा इधर वाला क्या होता है एक्स वाला, एक्स के लिए आ जाता है, ठीक है ना, पूरा एक्स वाला हो जाता है, राइट। तो वाई इज इक्वल टू क्या है, टू पी एक्स प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू। अब हमारा कहानी यहाँ पे ये होगा कि देखिए क्या होगा, समझिए ध्यान से, स्क्वायर के लिए ले आके इधर घटा सकते हैं, हम घटा सकते हैं, तो देखिए क्या होगा, टू पी एक्स इज इक्वल टू इसमें घट जाएगा वाई माइनस वाई स्क्वायर पी क्यू, ये होने वाला है, राइट। मतलब इसको इधर रखा, घट जाएगा जाके इधर, लेकिन इसको अच्छा सा रख दिया सजा कर हम लोग। अब टू पी से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो वाई बाई कितना होगा,
वाई अपॉन टू पी, समझे ध्यान से, मतलब अगर हम लोग देखें, अच्छा टू को रहने दीजिए, इधर सिर्फ पी को भेजिए, वाई अपॉन पी हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर। इसको हम लोग आराम से देखिए क्या हो रहा है, चाहे तो हम लोग वन मान सकते हैं, क्या वन मान सकते हैं, काम करेगा आगे देखेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। चलिए 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई राइट इज इक्वल टू 1 बाई पी हो जाएगा, dy बाई डी वाई 1 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई हो जाएगा ना। देखिए अब यहाँ से क्या है, u इंटू v पर काम होने वाला है राइट, थोड़ा मिटाते हैं हम इसको, कहते क्या है देखिए, पी स्क्वायर को पहले बाहर किया, समझिए ध्यान से, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा 2y सीधे हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर को बाहर किया, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो 2p हो जाएगा इंटू डी पी बाई डी वाई। डिफरेंशिएशन तो आपको आना चाहिए मेरे भाई, है ना, क्लियर, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा राइट, क्लियर। अब सुनिए ज़रा ध्यान से साहब, ध्यान से सुनिए, ध्यान से क्या है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 बाई पी, कैसे तो 2 इन, देखिए यहाँ समझिए, अच्छा से समझिए, प्यार से समझने का प्रयास कीजिए, क्या है ये 2, देखिए यहाँ पे, देखिए क्या है यहाँ पे 2 तो रहेगा, ये मैंने ऐसे लिखे ना 2 इंटू 1 बाई पी राइट, माइनस पी स्क्वायर 2y, ऐसे लिखिए से जाके इसको भी अरेंज करके लिखना ज़रूरी है, 2 पी स्क्वायर y माइनस 2 पी वाई स्क्वायर डी पी बाई डी वाई। क्या हुआ यहाँ पे, 1 बाई पी कहाँ से आया, देखिए p को क्या लिखते हैं हम लोग, पी को क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो पलट दीजिए ना यहाँ पे, डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा 1 बाई पी, यही तो होता है कि नहीं, इस बात को काहे बताएं यहाँ पे, हम मन इस बात को काहे लिखें, समझिए बात को, काहे जगह ख़राब करेंगे, क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे आगे देखिए, अगर हमको इस, हम लोग इसको इधर ले जाएं तो क्या होगा, इसमें से घटेगा ये तो क्या बचेगा, 0 इक्वल टू माइनस 1 बाई पी एस पी हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, नहीं है ना, समझ रहे ना। चलिए डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे किया जाए तो क्या होगा, 2 बाहर होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाना है यहाँ पे, इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा आपको y इंटू पी 1 बाई पी, तो y को बाहर किया हमने, समझिए ध्यान से अच्छा से प्यार से, y को बाहर किया और किसका डिफरेंशन कर रहे हैं, 1 बाई पी का, तो चलिए 1 बाई पी का डिफरेंशन का मतलब क्या, देखिए p के पावर माइनस 1 dp इंटू dp बाई क्या होगा, dp बाई डी वाई, तो हो जाएगा माइनस 1 बाई पी स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई पी स्क्वायर इंटू dp बाई डी वाई हो गया, प्लस u इंटू बी, अब 1 बाई पी को बाहर किया, डी वन पी को बाहर किया और d क्या होगा, dy बाई डी वाई 1 होता है, एक हो गया ये प्लस, अब आइए यहाँ पे, अरे भाई y इंटू 1 बाई पी है, यह u, ये भी हो गया, तो इसी तरह u भी पे बनाए हैं, u को छांटा, भी को डिफ्रेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में, प्लस भी को छांटा, u को किया, u को करेंगे तो क्या होगा, y बट dy बाई डी वाई 1 हो जाएगा, इतना होना चाहिए ना, आना चाहिए, आइए इसमें प्लस नहीं है माइनस है, y स्क्वायर को बाहर करेंगे, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 2p इंटू dp बाई डी वाई, एक ये हो गया, प्लस
पी स्क्वायर को बाहर करेंगे, इसका होगा इंटू टू वाई। इतना हुआ कि नहीं हुआ बताइए, इतना तो हो गया। अब देखिए टू डी वाई बाई डी एक्स होता है पी, तो डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा उल्टा है, तो वन बाई पी हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस वाई बाई पी स्क्वायर। ये कितना है देखिए, डी पी बाई डी वाई है ना। उसके बाद प्लस क्या है, वन बाई पी है। माइनस बोलिए, माइनस क्या है, इससे माइनस घुसाइए ले आगे भीतर, तो टू वाई स्क्वायर पी डी पी बाई डी वाई है, राइट। और माइनस क्या होगा यहाँ पे, माइनस देखिए लास्ट स्टेप जो है माइनस टू पी स्क्वायर वाई है। आइए यहाँ पे ध्यान से ध्यान दीजिए बालक एंड बालक के दोस्तों, ये सबको भेजते हैं इधर तो क्या होगा, चलिए देखिए क्या होगा। देखिए वन बाई पी में से टू बाई पी घटेगा तो हो जाएगा, इधर तो बच गया जीरो भाई, इधर जीरो बच गया, माइनस वन बाई पी बचेगा, माइनस वन बाई पी बचेगा, क्लियर राइट। अब देखिए वाई बाई क्या है, पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई माइनस क्या होगा बताइए, टू वाई स्क्वायर पी है कि नहीं है, डी पी बाई इसी को झेलना ना, इतना कैलकुलेशन में झेलना थोड़ा बच्चों लोगों को लगता है कि पहाड़ हो गया, तो सीखिए ना, इसमें सिखाना रहे हैं, इसमें कौन हम टांडो थोड़े करा रहे हैं आपको, काहे परेशान हैं। चलिए जीरो यहाँ पे है, अब इसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया बात बता रहे हैं आपको, बिना डी पी बाई डी वाई वाला एक जगह कीजिए, कहाँ कहाँ है सर, यहाँ पे है बिना डी पी बाई डी वाई वाला, यहाँ पर है, एक जगह कीजिए ना तब ना मज़ा आएगा। माइनस वन बाई पी, थोड़ा कैलकुलेशन क्या पड़ा लगता है कि पहाड़ टूट गया आपको, ये आ गया। आगे वाला जो स्टेप है इसमें क्या है, डी पी बाई डी वाई तो कॉमन हो जाएगा, मतलब नहीं कॉमन होगा, पक्का होगा, डी पी बाई डी वाई कॉमन हो गया। अब बोलिए कॉमन जब कर लिए तो क्या मिला हमको, माइनस कॉमन किए हैं तो हो जाएगा वाई बाई पी स्क्वायर, होना ही होना है, अरे भाई क्या हो गया, वाई बाई पी स्क्वायर होना ही होना है, राइट। उसके बाद देखिए वाई बाई पी स्क्वायर हो गया, उसके बाद देखिए अब क्या बच गया, माइनस यहाँ पे प्लस प्लस होगा टू वाई स्क्वायर पी। अब सुनिए बड़े प्यार से ध्यान से अच्छा से, यहाँ पे क्या है समझिए ध्यान से, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब में से माइनस कॉमन कर लेंगे, सब में से माइनस कॉमन करेंगे, तो वन बाई पी प्लस टू पी स्क्वायर वाई प्लस डी पी बाई डी वाई इंटू वाई बाई पी स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर पी बराबर जीरो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको। अब आइए यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, यही तो शतरंज की बात है बालक, इसमें जो कुछ सीखना है सीखते चलिए क्या हो रहा है, इसको समझना आपकी बहादुरी होगी। वन प्लस चलिए पी से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो रहा है, टू पी क्यू वाई अपॉन पी राइट, प्लस यहाँ पे देखिए डी पी वाई डी वाई इंटू वाई प्लस टू वाई स्क्वायर पी क्यू बटा पी स्क्वायर है ना बराबर जीरो। यहाँ तक कुछ आए तो कुछ तो बुझाया राइट, यहाँ तक कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना क्लियर। अब हम लोग जो देख पा रहे हैं समझिए, पहले ही क्वेश्चन थोड़ा हार्ड ले लिए हैं, तो हार्ड क्या, ऐसे क्वेश्चन आएगा ना प्रिंटेड तो क्या कीजिएगा। अब कर रहे हैं क्या हम लोग, वन प्लस टू पी क्यू वाई है ना बटा पी, देखिए आराम आसान हो जाएगा, प्लस क्या होगा डी पी बाई डी वाई, इसमें से क्या कमन होगा, वाई कमन कर लीजिए, क्या बचेगा वन प्लस टू पी क्यू वाई स्क्वायर, कहीं छोड़ तो नहीं रहे कुछ भी हम, क्लियर। देखिए ध्यान से
तो वाई कमन हो गया तो वाई बचेगा बटा क्या पी स्क्वायर बराबर जीरो। अब सुनिए पूरा में से क्या कमन होगा, वन प्लस टू पी क्यू वाई कमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा वन प्लस क्या बचेगा वन प्लस डी पी बाई डी वाई इंटू वाई बाई पी, वाई बाई पी माने मेरे कहने मतलब कि आपने क्या किया पूरा में से क्या कमन कर रहे हैं समझिए ध्यान से, पूरा में से हम लोग क्या कमन कर रहे हैं एक मिनट, तो यहाँ पे वो नहीं पी ना बचेगा पी बचेगा, तो पूरा में से कमन कर लिया हमने तो वाई ई क्या हो गया आपका पी स्क्वायर हो गया बराबर जीरो राइट। अगर हम लोग सब में से पी भी नीचे कमन कर लिए तो रहते अगर यहाँ पे तो उसका भी तो फायदा होगा, तो हमको यहाँ पे सिर्फ एक बचेगा, एक बचेगा और यहाँ बचेगा सिर्फ क्या वाई वाई बाई पी बचेगा। अब सुनिए आपको जब सोलेबल फॉर वाई पढ़ाए थे तो उसने बताया था कि इस टाइप का जो फंक्शन आता है ना नॉर्मल जिसमें डी पी बाई डी वाई चाहे डी एक्स डी पी बाई डी एक्स नहीं रहता था उसको घटाते थे हम लोग, इसको निगलेक्ट कर देंगे ठीक है ना। तो हमको हमारे पास क्या बचेगा देखिए, अब इसको स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा आपको तब जाके काम चलेगा क्योंकि मिटाने वाले हैं, तो रुकिए स्क्रीन शॉट लीजिए। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए वन प्लस है ना डी पी बाई डी वाई इंटू वाई बाई पी इज इक्वल टू जीरो। अब इसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ पे डी पी बाई डी वाई वाई बाई पी इज इक्वल टू माइनस वन यहाँ तक हो जाएगा। अब सुनिए क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लियर क्लियर बात समझ लीजिए बालक तब जाके क्या होगा समझ में आ जाएगा। अगर देखें तो हम लोग पलट सकते हैं गाइस को, ऐसे पलट सकते हैं तो डी वाई बाई डी पी नहीं इधर जाके क्या हो जाएगा बताइए, मैंने मतलब कि इसको पलट दिए हम तो क्या होगा चल जाएगा पी बाई वाई हो जाएगा क्या, इसको पलटेंगे हम लोग तो वाई पी बट्टा वाई होगा यह जाएगा तो क्या होगा वाई बट्टा पी रहेगा माइनस में वाई बट्टा पी रहेगा। अब सुनिए ध्यान से डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी पी बाई पी माइनस में इंटीग्रेशन कर दिया हमने ये हो गया वन बाई वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई ये तो हो जाएगा लॉग लॉग हो जाएगा, तो ये आपका लग गया लॉग लॉग पी वन बाई वाई थोड़े होगा इसका भी लॉग वाई ना होगा सर हाँ लॉग पी प्लस सब जो लॉग में क्या करेंगे इसको भी लॉग ले लेंगे लॉग सी हो जाएगा एगो। अब सुनिए आके जुड़ेगा लॉग वाई प्लस लॉग पी बराबर लॉग सी यहाँ देखिए तो वाई पी हो जाएगा लॉग के आगे या लॉग कैंसिल हो जाएगा वाई पी बराबर लॉग सी वाई पी बराबर क्या होगा लॉग सी होगा या पी बराबर क्या होगा सी बटा वाई होगा। संजोग से यहाँ से पी का मान आराम से निकलेगा, कभी कभी क्या होगा समझिए ध्यान से कभी कभी क्या होगा पी का मान नहीं निकलेगा, जिससे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सोलेबल फॉर एक्स में सोलेबल फॉर वाई में क्या पढ़े थे कभी कभी क्या होता है कि उसमें पी का मान नहीं निकलता है, तो लास्ट में लिखते हैं हम लोग लास्ट में कुछ वर्ड हमको लिखना पड़ता है कि पी एलिमिनेट नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे दोनों जो होगा वो आपका सोल्यूशन निकाल देगा। तो यहाँ पे समझिए क्या है पी का मान निकल गया, अब पी का मान कहाँ रखेंगे हम लोग पहला माने थे हम पहला इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन माने थे ना लिखेंगे नाउ फ्रॉम वन वाई इक्वल टू क्या था बताइए टू एक्स पी था टू एक्स पी का मान सी बटा वाई प्लस वाई स्क्वायर और क्या था पी क्यू था तो सी क्यू बटा वाई क्यू हो जाएगा ये हो जाएगा कट छट के क्या जाएगा आपको वाई स्क्वायर गुना हो जाएगा तिरछा तिरछी वाई स्क्वायर बराबर टू सी एक्स है ना मतलब समझ रहे ना प्लस प्लस क्या बोलिए सी क्यू कैसे हो गया ये कैसे हो गया ये समझिए क्योंकि वाई से सब में डिवाइड होगा नीचे हो जाएगा वाई स्क्वायर यहाँ भी होगा वाई के पावर फोर वाई स्क्वायर भी कट मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका वाई कट जाएगा
तो इस वाई से भी वाई माने दो वाई से कट गया, यहाँ पे दो वाई कट गया, वाई बचा, एक वाई नीचे आ रहा, मैंने नीचे आपको वाई आ रहा था, समझिए ध्यान से, ये जो वाई है डिवाइड करेंगे सब में तो वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर, वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, देखो वाई क्यू हो जाएगा यहाँ पे, वाई क्यू वाई कट गया तो सी क्यू बच गया, और जो नीचे वाई स्क्वायर आएगा चल जाएगा तीसरा तीसरे गुना करके इधर, तो ये आपका आ गया सी क्यू, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन में हमने पूरा समय लिया समझाने के लिए, कभी कभी पी का मान नहीं निकलता है तो उसको यहीं छोड़ देते हैं, आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं बालक, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप बढ़िया से बनाइएगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।